नमस्कार दोस्तों, एमपी ऑनलाइन सीएससी बिजनेस ट्रेनिंग के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में बात करने वाले एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जो अब पटवारी के बाद आने वाली है। जी हाँ, पटवारी भर्ती जैसे अभी आपको पता होगा कि अभी चल रही है, इसके फॉर्म आज यानी कि 23 तारीख तक भरे जा रहे हैं। पहले इसकी डेट 19 जनवरी थी, लेकिन सर्वर इश्यू के कारण और बहुत सारी समस्याएं इस फॉर्म को भरते हुए आ रही थी, इस कारण से इसकी डेट जो है वो बढ़ गई थी और अभी 23 जनवरी इसकी अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की। और साथ ही साथ आप 30 जनवरी तक इस आवेदन को एडिट कर पाएंगे आफ्टर पेमेंट। अगर आपने भुगतान कर भी दिया है तो भी आप 30 जनवरी तक इस आवेदन का एडिट यानी कि इसमें सुधार कार्य कर सकते हैं। अब बात करने वाले हैं उस वैकेंसी के बारे में जो आने वाली है, व्यापम यानी कि अब जिसे हम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी कि एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड भी कहते हैं। इसमें एक ये जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अगर आप जाएंगे तो यहां पर आपको ऊपर एक नोटिफिकेशन दिखाई देने लगेगा जिसमें ये जानकारी दी गई है कि अब वन रक्षक की भर्ती, यहां पर जब आप देखेंगे ये आ रहा है वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक एवं जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी के आवेदन भी इसके माध्यम से शुरू होने वाले हैं, जिसका फॉर्म 25 जनवरी 2023 को पोर्टल पर लाइव कर दिया जाएगा। यानी कि वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी ये भर्तियां इसकी 25 जनवरी यानी आज 23 तारीख है, दो दिन बाद से 25 तारीख से इनकी भी वैकेंसी जो है लाइव होने वाली है पोर्टल पर। तो इस बार पटवारी में बहुत सारे लोगों ने जो गलती की है, अपने पंजीयन को प्रॉपर तरीके से नहीं रखा, उस पंजीयन में बहुत सारी समस्याएं थी, उनका फॉर्म एडिट नहीं हो रहा था, कुछ लोगों के रोजगार पंजीयन नहीं थे, तो ये सारी चीजें जो भी प्रॉब्लम आपके प्रोफाइल में है, प्रोफाइल को आप कंप्लीट कर लीजिए, अपना रोजगार जो रोजगार पंजीयन उसे कंप्लीट कर लीजिए, पूरे प्रोफाइल को कंप्लीट करके उसको तैयार रखिए, ताकि अब नेक्स्ट जो भी वैकेंसी आएगी उस वैकेंसी को आपको सिर्फ अपना सामान्य पंजीयन क्रमांक और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालकर आप उस फॉर्म को बहुत ही आसानी से भर सके, आपको ऐसी कोई दिक्कत ना आए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप अगर आपको इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भरना है तो जब ये वैकेंसी स्टार्ट हो तो शुरुआत में ही आपको फॉर्म इसका भर लेना है, क्योंकि अंतिम तिथि के लगभग जब समय आता है अंतिम तिथि का, तब इस वेबसाइट का सर्वर हमेशा की तरह बंद हो जाता है और आप फॉर्म नहीं भर पाते। इस कारण से जैसे ही ये फॉर्म स्टार्ट हो, स्टार्टिंग में ही आपको फॉर्म इसका भर लेना है। इस प्रकार की वैकेंसी से संबंधित जानकारी, एमपी ऑनलाइन सीएससी से संबंधित अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।